आइए आइए, आप ही का इंतज़ार था। मैं तो आप ही का इंतज़ार कर रहा था कि कब आप आएँ और कब मैं वीडियो बनाऊँ। सो आज की टॉपिक है विनयाप। हम सब लोग विनयाप यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं, या मे भी नहीं जानते हैं, या जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि विनयाप के भी शॉर्टकट की होते हैं। कि हम कोई स्टॉप करना हो, पॉज प्ले करना हो, या नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करना हो, तो हमें ये माउस यूज़ नहीं करना चाहिए यार। ये बहुत लंबा प्रोसीजर है। ओके, तो इसको यूज़ नहीं करना है, बस शॉर्टकट की से करना है। चलिए देखते हैं फर्स्ट शॉर्टकट की। अगर आपको इमरजेंसी में पॉज या प्ले करना है कोई सॉन्ग या म्यूज़िक, जैसे कि गाना आप चल रहा है, तो इसके लिए माउस मत यूज़ कीजिएगा, जस्ट सी बटन प्रेस कीजिएगा। कीबोर्ड में सी बटन होता है, उसको प्रेस कीजिएगा, आपका गाना पॉज हो जाएगा। ये देखिए रुक गया, ठीक है। अब फिर से फिर से सी बटन प्रेस कीजिएगा, आपका गाना स्टार्ट हो जाएगा, प्ले हो जाएगा। सो सी बटन फॉर पॉज एंड प्ले। ओके, अगर आपको टोटली विनयाप स्टॉप करना है तो वी बटन प्रेस कीजिए। ये देखिए स्टॉप हो गया, ठीक है। मैं और एक बार से बताऊंगा, ये गाना चल रहा है, थोड़ा सा साउंड रख लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो अभी गाने को स्टॉप करना है, विनयाप को स्टॉप कर दीजिए। सो जस्ट वी बटन प्रेस कीजिए, गाना स्टॉप हो जाएगा। सी फॉर पॉज एंड प्ले, वी फॉर स्टॉप। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पे चलिए। अगर आपको नेक्स्ट गाना प्ले करना है, जैसे कि ये गाना प्ले हो रहा है, ठीक है। अगर आपको नेक्स्ट गाना प्ले करना है, तो ऐसा माउस पकड़ के मत जाओ यार, इस तरह से मत करो, प्लीज़ शॉर्टकट की यूज़ करो। शॉर्टकट की क्या है? बी। जैसे अपने कीबोर्ड में से बी प्रेस कीजिए, और ये देखिए ऑटोमेटिक गाना चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर आपको प्रीवियस सॉन्ग प्ले करना है, तो इसके लिए जेड प्रेस कीजिए, सिंपल है। नेक्स्ट सॉन्ग के लिए बी प्रेस कीजिए, और प्रीवियस सॉन्ग के लिए जेड प्रेस कीजिए, दैट्स इट, वेरी इजी। इसी तरह से अगर आपको एंड म्यूजिक पे जाना है, कि लास्ट म्यूजिक पे जाना है, तो एंड बटन प्रेस कीजिए, ये आपके लास्ट म्यूजिक पे आ गए। इसका साउंड थोड़ा सा और कम कर लेता हूँ। और अगर आपको फर्स्ट पे जाना है, तो होम बटन प्रेस कीजिए, ठीक है। होम बटन फॉर फर्स्ट, ओके, एंड एंड बटन फॉर एंड, ठीक है। इजी है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। आपको अब प्लेलिस्ट ओपन करना है, तो यहाँ से हम लोग जाते हैं, ऐड कर लेते हैं इस तरह से प्लेलिस्ट। ऐसा ना करो, इजी बताता हूँ। सिर्फ एल प्रेस करो, ठीक है, ये प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। आपके कीबोर्ड में एल प्रेस करो, तो ये आपकी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप जो भी आपके सॉन्ग है ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरा मसला ये है कि अगर आपको ये जो है ना डिलीट करना है पूरे सॉन्ग, तो क्या करेंगे हम? ऐसे सेलेक्ट करते बैठेंगे ऐसे, या कंट्रोल ए पकड़ के सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से पूरे सेलेक्ट हो जाएंगे, डिलीट कर देंगे। मैं इसे आसान बताता हूँ आपको, इसे आसान जो है, आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ कंट्रोल एन प्रेस करना है। कंट्रोल एन एंड बूम, आपकी पूरी लिस्ट क्लियर हो गई है। सो कंट्रोल एन प्रेस कीजिए, आपकी पूरी जो भी विनयाप की लिस्ट है वो चली जाएगी। इसी तरह से आपको, अगर आपको ये ओपन करना है, फाइल मेनू ओपन करना है, मेन मेनू ओपन करना है, तो ऑल्ट एफ प्रेस कीजिए, ये फाइल मेनू ओपन हो गया, मेन मेनू ओपन हो गया। अगर आपको विनयाप को टोटली क्लोज करना है, तो ऑल्ट एफ फोर, ये हर कोई जानता है, बूम, दैट्स इट। तो सिंपल है ना। सी फॉर पॉज एंड प्ले, बी फॉर नेक्स्ट सॉन्ग, जेड फॉर प्रीवियस सॉन्ग, एंड एन फॉर कंट्रोल एन फॉर क्लियर प्ले लिस्ट, एंड एन होम फॉर होम एंड एंड स्टार्ट स्टार्ट पे, और वी प्रेस कीजिए स्टॉप करने के लिए, एल प्रेस कीजिए फाइल ओपन करने के लिए, दैट्स इट, वेरी सिंपल है। अगर कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई करूँगा। और हाँ, जाने से पहले और एक बात, आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, इसी तरह के डेली अपडेट्स के लिए। अगर आपको सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं भी जो कुछ भी अपडेट देता हूँ, तो जल्दी से आपको मिल जाएंगे। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर।